उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे साथी डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, यूपी सरकार में मंत्री श्री अनिल राजभर जी, नीलकंठ तिवारी जी, रविंद्र जायसवाल जी, संसद में मेरे साथी श्री बीपी सरोज जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, विधानसभा और विधान परिषद के सभी माननीय साथीगण, बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, वाराणसी के इस पिंडरा क्षेत्र के लोगन के प्रणाम करत हैला। पड़ोस के जिला जौनपुर के सब बंधु एवं भगिनी लोगन के भी प्रणाम। आज वाराणसी और आसपास का ये पूरा क्षेत्र एक बार फिर से पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों, किसानों, पशुपालकों के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम का साक्षी बना है। आज का दिन इतिहास भी विशेष है और इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी स्मृति में देश किसान दिवस मना रहा है। जो अपशिष्ट निकलता है उसके सही इस्तेमाल का भी है। रामनगर के दूध प्लांट के पास बायोगैस से बिजली बनाने वाला प्लांट का निर्माण ऐसा ही एक बहुत बड़ा प्रयास है। यह अपनी तरह की ऐसी परियोजना है जिसमें डेयरी संयंत्र की सारी ऊर्जा जरूरतों को बायोगैस प्लांट से ही पूरा किया जाएगा। यानी किसान न केवल दूध से बल्कि गोबर की बिक्री से भी कमाई कर पाएंगे। आमतौर पर किसानों को गोबर की जो कीमत मिलती है उससे ज्यादा कीमत पर ये बायोगैस प्लांट किसानों से गोबर खरीदेगा। नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली, गरीबों के घर, गैस कनेक्शन, शौचालय, इनको तो वो विकास मानते ही नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की ये भाषा भी उनके सिलेबस में, उनकी डिक्शनरी में ये बातें है ही नहीं है। उनके सिलेबस में क्या है, उनकी डिक्शनरी में क्या है, उनकी बोलचाल में क्या है, उनकी सोच में क्या है,
आप सब जानते हैं उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद, उनके सिलेबस में है घरों जमीनों पर अवैध कब्जा। पहले की सरकारों के समय यूपी के लोगों को जो मिला और आज यूपी के लोगों को हमारी सरकार से जो मिल रहा है उसका फर्क साफ है, उसका फर्क साफ है। हम यूपी में विरासत को भी बढ़ा रहे हैं, यूपी का विकास भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपना स्वार्थ सोचने वाले इन लोगों को यूपी का विकास पसंद नहीं आ रहा। हालात तो ये हैं कि इन लोगों को पूर्वांचल के विकास से, बाबा के काम से, विश्वनाथ धाम के काम से भी आपत्ति होने लगी है। मुझे बताया गया है कि बीते रविवार काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। यूपी को दशकों पीछे धकेलने वाले इन लोगों की नाराजगी अभी और बढ़ेगी। जिस तरह पूरे यूपी के लोग डबल इंजन की सरकार के साथ डटकर खड़े हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और जैसे जैसे आशीर्वाद बढ़ता जाता है उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचेगा। साथियों, डबल इंजन की सरकार यूपी के विकास के लिए दिन रात ऐसी ही मेहनत करती रहेगी। महादेव के आशीर्वाद और काशीवासियों के स्नेह से विकास के नए रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ सभी विकास परियोजनाओं की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रोत्साहनपूर्ण शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।